कांग्रेस ने बुधवार को नारी न्याय गारंटी योजना की घोषणा कर दी है। योजना की जानकारी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर दी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा कि कांग्रेस पार्टी आज नारी न्याय गारंटी की घोषणा करती है। इसके तहत कांग्रेस पार्टी महिलाओं के लिए देश में एक नया एजेंडा सेट करने जा रही है। उन्होंने कहा कि यही हमारा 1926 से अब तक का रिकॉर्ड है, जब हमारे विरोधियों का जन्म हो रहा था तब से हम मैनिफेस्टो बना रहे हैं और उन घोषणाओं को पूरा कर रहे हैं। आप अपना आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को देते रहिए और लोकतंत्र और संविधान बचाने की इस लड़ाई में हमारा हाथ मजबूत करिए। सुनिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या कुछ बताया। इसलिए कांग्रेस पार्टी आज नारी न्याय गारंटी की घोषणा करती है। इसके तहत कांग्रेस पार्टी महिलाओं के लिए देश में एक नया एजेंडा सेट करने जा रही है। नारी न्याय गारंटी के अंतर्गत कांग्रेस पार्टी 5 घोषणाएं कर रही है। उसमें पहली घोषणा है महालक्ष्मी गारंटी। इसके तहत सभी गरीब परिवार की एक महिला को सालाना 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। दूसरी घोषणा है आधी आबादी पूरा हक। इसके तहत केंद्र सरकार की नई नियुक्तियों में आधा हक महिलाओं को मिलेगा। तीसरी है शक्ति का सम्मान। इस योजना के तहत आंगनवाड़ी, आशा और मिड डे मील वर्कर्स के मासिक वेतन में केंद्र सरकार का कंट्रीब्यूशन 2 गुना होगा। चौथा है अधिकार मैत्री। इसके तहत हर पंचायत में महिलाओं को उनके हकों के लिए जागरूक करने और जरूरी मदद के लिए अधिकार मैत्री के रूप में एक पैरा लीगल यानी कानूनी सहायक की नियुक्ति की जाएगी। पांचवी है सावित्रीबाई फुले हॉस्टल। भारत सरकार देश भर में सभी जिला मुख्यालय में कम से कम 1 कामकाजी महिलाओं का हॉस्टल बनाएगी और पूरे देश में इन हॉस्टल की संख्या 2 गुनी की जाएगी। इसके पहले हमने भागीदारी न्याय, किसान न्याय, युवा न्याय घोषित की है और ये कहने की जरूरत नहीं कि हमारी गारंटी खोखले वायदे और जुमले नहीं होते। हमारा कहा पत्थर की लकीर होती है। ये हमारा 1926 से अब तक का रिकॉर्ड है, जब हमारे विरोधियों का जन्म हो रहा था तब से हम मैनिफेस्टो बना रहे हैं और उन घोषणाओं को पूरा कर रहे हैं।